अरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड जब बना था तो फिर एक्स्ट्रॉर्डिनेयर पता नहीं क्यों कर दिया इन्होंने, पर हाँ थैंक यू सो मच। क्या फील करते हैं आज के इस मौके पर जब आपको बताया गया कि आप इस तरह से अवार्ड डेडिकेट कर रहे हैं, क्या टेक था? मेरा टेक यही था कि टेक ले लो अवार्ड को और अवार्ड टेक करके गो हो जाओ। It makes me happy, any award, any recognition by people, so it's a power pack performer award which they have given me. सोशल मीडिया पर आप हमें मॉडलिंग बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जी आज वजह या हम आपकी अपकमिंग फिल्म में, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथ में अभी तक बांसुरी है नहीं, सिर्फ उंगलियां ही हैं, तो इसलिए उसकी आवाज़ आई नहीं। आपने मुझे फोटो भी दिखाई अभी, तो उसके अंदर अभी तक बांसुरी है नहीं, तो बांसुरी जब आएगी, हाँ मैं अभी बांसुरी जब आएगी उसको बजाऊंगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उंगलियों से। जी शुक्रिया। जी दर्शन जैसे कोई चैनल मुझे फाइनल करेगा मैं डेफिनेटली दर्शन दूंगा, और मेरा भी मन है, मेरा काम है एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे वही आता है, तो ऑफ कोर्स जैसे ही कोई सूटेबल शो प्लेटफॉर्म जुड़ता है जो मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगा। इट्स नॉट ग्रोवर सुना होगा आपने, ओवर अच्छा ओवर अच्छा मेरी और कपिल की बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, हम लोगों ने बहुत अच्छा शो किया है इकट्ठे और बहुत लोगों को हंसाया है, और आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के गिने चुने शोज़ में से जो बहुत सक्सेसफुल हुए, मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे शो का हिस्सा बन सका, और मैं उस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि मुझे मौका मिला, और मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सका। बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, बहुत अच्छी यादें हैं उस शो से, वो हमेशा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। अभी तक ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा है या ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि ऐसी कुछ अप्रोच नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो ईश्वर जानता है कि अगर मटेरियलाइज हो। ये चैनल्स के विचार होते हैं, अगर उनको लगता है कि रिवाइव करना चाहिए तो डेफिनेटली क्यों नहीं, उनके सर्वेज होते हैं, उनकी उनको ही फाइनली शो प्रोड्यूस करना होता है, तो अगर किसी चैनल को लगता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं। जी जी ऑफकोर्स मिस करता हूँ मैं टीवी पे आना, शूटिंग करना, वहाँ जाना, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है वो शो जहाँ पे हम सब मिलके लोगों को हंसाते थे, तो ऑफकोर्स मिस करता हूँ, लेकिन जल्दी काम शुरू करेंगे। एक लंबे ऐसे चर्चा हो रही है कि आप अपना शो लेकर आ रहे हैं किसी चैनल पर, उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ हो रहा है? अभी फिलहाल कई चैनल से, कई जगह से बातें चल रही हैं, पर अभी कुछ फाइनलाइज मटेरियलाइज नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका, तबीयत मेरी बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे पूछने ऐसा पूछने के लिए, ये आज तक किसी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है, मेरी तबीयत बहुत ठीक है, और मैं आज खेल के आया हूँ स्क्वाश और एक डेढ़ घंटा, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप भी हमेशा सेहतमंद रहें, इसी तरह शेव करते रहें रोज़ दिन में, और हमेशा हैंडसम बने रहें, ठीक है? आपने आज टोपी पहनी है, आप नॉर्मली लोगों को टोपी पहनाते हैं, काफ़ी पहनते हैं आप, है ना? सर फोटो।